हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने बताया है कि मेरा मेंस के लिए क्या अप्रोच है, मैं किस तरह से मेंस करने वाला हूँ, मैं कब तक मेंस की स्टडी करूँगा, दिन में कब से प्रीलिम्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ही देख लें तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं अभी जो है किस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी तो मैं मेंस के लिए कर रहा हूँ जिसमें अभी मेरा जो दिन का शेड्यूल है उसमें मॉर्निंग में मेरे दो स्लॉट्स होते हैं। पहले स्लॉट में मैं न्यूज़पेपर कर लेता हूँ, द हिंदू में न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही पढ़ते हैं, एस्पिरेंट वही पढ़ते हैं, और आई थिंक कि वो अच्छा न्यूज़पेपर है जिससे हम लोग का करंट अफेयर जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर मुझे न्यूज़पेपर से अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए यूट्यूब से कोई भी द हिंदू का एनालिसिस के जो वीडियोज़ आते हैं मैं उसको देख लेता हूँ। इनकेस अगर मुझे समझ नहीं आता है तब बाकी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाता है, हमको समझ आने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती है। तो न्यूज़पेपर को इग्नोर ना करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही करंट अफेयर हम लोग का क्लियर होगा। अदरवाइज़ जो मंथली मैगजीन आती है फिर उसको भी कवर करना, वो आगे बताऊँगा मैं किस तरह से करता हूँ। पेपर हो गया है, मैंने उसको पूरा कवर कर लिया है आज का न्यूज़पेपर। मैं डेली का डेली करना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ चलते हैं, देखिए अभी तो पहले बाहर का मौसम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, पुणे का वेदर वैसे बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी लगी है थोड़ी सी भूख, तो कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं रूम पर ही लेकर आता हूँ और फिर रूम पर ही खाता हूँ। तो अभी चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आते हैं। तो अभी हो रहे 9:30, जो मेरे मॉर्निंग का सेकंड स्लॉट है जो वो 9:30 से 1:30 तक होता है, जिसमें ये मैं 4 घंटे में अपना ऑप्शनल का मैं करता हूँ। बेसिकली मैं 2 दिन ऑप्शनल करता हूँ, मैं 4 दिन GS और 1 दिन जो होता है उसमें मैं जितना मैंने इन 6 डेज में किया है उतना मैं रिवाइज़ करता हूँ उसको। रिविज़न बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पीछे की चीज़ें फिर भूलते चले जाएंगे। इसलिए मैं 1 दिन वीक में और मंथ में 2 दिन, कभी 3 दिन लास्ट डेज में मैं उसको रिवाइज अच्छे से कर लेता हूँ। तो अभी मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, और ऑप्शनल क्या है इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो अभी ये वाला जो मेरा सेकंड स्लॉट है मॉर्निंग का, इसमें मैं अभी ऑप्शनल कर रहा हूँ। ये स्लॉट हो गया है कंप्लीट, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है। और टारगेट जॉब करते हो फिक्स, उसको कोशिश कीजिए कि पूरा करें। अभी जो मेरा नेक्स्ट है वो मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, जिसको मैं विजन आईएएस का जो मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स का, मैं उसको कवर करता हूँ। अच्छा मैगजीन है और बहुत सारा कंटेंट हम लोग का जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम रिलेटेड जो हम लोग का काम आता है, जो आंसर राइटिंग में भी काम करता है, देन फिर हम लोग को क्लिप्स में भी काम आता है। तो वो विजन आई एस की मैगजीन, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा ही कुछ उसमें कवर होता है, तो मैं वो विजन आई एस का मैगजीन कर लेता हूँ। सो आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जितना मैंने आज के लिए टारगेट बनाया था वो ऑल पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लास्ट में, और जब आप जा रहे हो सोने के लिए तो तब आपको लगना चाहिए हाँ कुछ हुआ है। अभी चलते हैं थोड़ा सा बाहर, कुछ घूम कर आते हैं।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी एक डायरी बनाइए जिसके अंदर आपका जो पूरे दिन का टारगेट है उसके अंदर लास्ट में लिखना चाहिए कि कितना मैंने किया था आज, आज मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और अपना टाइम मैनेज कीजिए कि कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो आपको नेक्स्ट डे के लिए फिर मोटिवेट करेगा और आपका टाइम भी बचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।